बेलची थाना क्षेत्र के बेलची थाने के समीप NH30 पर अनियंत्रित हाईवा द्वारा बेलची पुलिस के गश्ती गाड़ी में ठोकर मार दिया गया, जिससे गश्ती वाहन पर सवार 4 पुलिस कर्मी जख्मी हो गए। वहीं घटना के बाद भागने के दौरान हाईवा अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर दूर PHC के समीप पानी भरे गड्ढे में पलट गया। घटना में गश्ती वाहन के समीप खड़े 3 नागरिक भी जख्मी हुए हैं। घटना के बाद सभी जख्मी दर्द से कराह रहे थे। इसके बाद बेलची थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने सभी जख्मियों को इलाज हेतु PHC बेलची में भर्ती कराया है, जहां सभी का उपचार किया जा रहा है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष ने बताया कि बेलची गश्ती गाड़ी पर सवार जवान NH30 पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी बीच बाढ़ की तरफ से आ रही अनियंत्रित गति से आ रही हाईवा ने गश्ती गाड़ी में जोरदार ठोकर मार दी। वहीं गश्ती वाहन के समीप एक दुकान के पास खड़े 3 नागरिक भी जख्मी हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मचा था। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद हाईवा चालक हाईवा लेकर भागने के चक्कर में करीब 200 मीटर दूर PHC के पास पानी भरे गड्ढे में अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके बाद हाईवा के चालक और खलासी मौके से भागने में कामयाब हो गए। इधर बाढ़ में किसी काम से देर शाम आए बेलची प्रभारी थाने लौट रहे थे। इसके बाद उनकी नजर वाहन और वाहन में बैठे लोगों की चीख पुकार सुन सभी को अपने वाहनों से PHC बेलची पहुंचाया, जहां सभी का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों का कहना है कि सभी जख्मी खतरे से बाहर है। एक ग्रामीण का सिर फटा है, जबकि जवानों को पैर और छाती में चोटें आई है। जख्मियों में ASI कुमार रवि, गृहरक्षक सच्चिदानंद शर्मा, रत्नेश कुमार तथा स्थानीय चालक अमीर शामिल है। घटना देर शाम करीब 7:30 से 8 के बीच की बताई जाती है।